वैश्विक महामारी कोरोना के साथ जारी मानवीय संघर्ष के बीच आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वन संरक्षण का सर्वोत्तम महोत्सव दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामाजिक एवं पर्यावरण हितैषी संस्थान आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट वापी गुजरात की राजसमंद इकाई के कार्यकर्ताओं ने श्री पशुपतिनाथ महादेव आश्रम अडावला देवगंज व राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रणोन्नति प्राधिकरण द्वारा निर्मित दिव्य वैभव्य महाबलिदानी माँ पन्नाधाय पेनाराम कमेरी देवगढ़ परिसर में 21 पौधे लगाकर चित्र को हरा भरा करने का संकल्प लिया। ट्रस्ट के संस्थापक नानजी भाई गुजर व मुख्य सलाहकार पर्यावरण कैलाश सामित के सानिध्य मार्गदर्शन में जुलाई अगस्त माह 2020-21 में प्रस्तावित पर्यावरण चेतना रथ यात्रा एवं सघन वृक्षावर्धन अभियान के दौरान 25,000 पौधे लगाए गए व वितरित किए जाने का संकल्प लिया गया। सामोता ने बताया कि पर्यावरण प्रेमियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सजावटी व औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर संत ने पर्यावरणियों प्रेमियों से आग्रह किया कि संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ते खनन उद्योग से कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए हैं, अतः वृक्षावर्धन द्वारा ही क्षेत्र में पुनः हरियाली को स्थापित किया जा सकता है। अतः वृक्षारोपण जैसे पुनित कार्य में जन अभियान के रूप में चलाकर सुंदर ग्रह पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा पौधे उपलब्ध कराए गए और हम जितने भी आज 10 पौधे जो फूल वाले लगाए हैं वो हम इसका पालन पोषण करके बड़े करेंगे और हमारे इस क्षेत्र में हरितिमा लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और भामाशाह से प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे इस पनादाई पेनोरमा को हरितिमा की और ले जाकर हम इस पेनोरमा को आगे बढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं। महाबलिदानी पनादाई स्मारक संस्थान कमेरी के अध्यक्ष गिरिलाल गुजर मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर हम इस हरितिमा की ओर बढ़ाने का कष्ट करावे ताकि आने वाले भविष्य में और पर्यटक की दृष्टि से ये हमारे पनादाई पेनोरमा आगे बढ़कर रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष नानजी भाई गुजर और हम सब पूरी टीम ने मिलकर इस पर्यावरण दिवस पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर इस कार्य को बढ़ावा दिया है और हम आशापुरा पूरी टीम मिलकर 25,000 पेड़ पौधे लगा